तो दोस्तों, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है August 30, 2019 और डे है फ्राइडे। आज के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए सवाल, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। द गवर्नमेंट हैज कमीशन अ 9.3 करोड़ स्टडी टू असेस द माइक्रोबियल डाइवर्सिटी अलोंग द लेंथ ऑफ गंगा रिवर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कमीशन स्टडी आर ट्रू। यहां पर भारत सरकार ने 9.3 करोड़ रुपीस की एक स्टडी को कमीशन किया है, देख सके कि गंगा नदी के अंदर कितनी माइक्रोबियल डाइवर्सिटी है। तीन स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इसे जो मिशन है, इसका मेन मकसद ये है कि टाइप ऑफ कंटामिनेशन को डिटेक्ट किया जा सके, मतलब सीवेज कंटामिनेशन या इंडस्ट्रियल कंटामिनेशन इन द रिवर, और इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ को कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है उसको देखना, ओके, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का सर्ज कितना है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि अकॉर्डिंग टू द अर्लियर स्टडीज, जो लेवल है रेजिस्टेंस का जीन्स के अंदर दैट लीड टू द सुपर बग इन रिवर गंगा वर अबाउट 60 टाइम्स ग्रेटर ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज मंथ्स ऑफ मे एंड जून देन एनी अदर टाइम ऑफ द ईयर। तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि गंगा इज ऑल्सो सेट टू हैव द प्रेजेंस ऑफ ई कॉली बैक्टीरिया, जो कि एक हार्मलेस बैक्टीरिया है। दो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके अंदर इंटेस्टाइनल डिजीज कॉज करने की यहाँ पर एबिलिटी होती है। दे आर ऑल्सो लिंक्ड विद ई कोली एज वेल एज एग्रीगेटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए वन एंड टू ओनली, बी टू एंड थ्री ओनली, सी वन एंड थ्री ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर वन, पहली खबर मिलती है, लैक ऑफ डिमांड इज हॉबलिंग द इकोनॉमी इज एनिमल स्पिरिट सेज आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट 2018-19 हम लोगों के लिए सामने आई है। एनुअल रिपोर्ट ने बोला है कि हमारे देश में जो कमी है वो ये है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है। इससे डील करने के लिए हम लोग दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले बताया गया कि हमारे देश के अंदर जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको हम लोग इम्प्रूव कर दें। कंजम्पशन पैटर्न को इम्प्रूव करने का मतलब है कि या तो लोग खर्चा करना चालू कर दें और लोग जो बचत करते हैं पैसों की उसे कम करें, सेविंग कम करें, कंजम्पशन ज़्यादा करें। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम लोग हमारे देश में जो PII है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, उसको इंक्रीज करें। रिपोर्ट का ये कहना है कि जो रिसेंट डी एक्सेलरेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, डी एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ तो कर रही है बट एक बहुत ही स्लगिश ग्रोथ चल रही है, बहुत ही धीमे धीमे यहाँ पर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो जो री एक्सेलरेशन है, दे कुड बी इन द नेचर ऑफ अ सॉफ्ट पैच म्यूटेशन इनटू द साइक्लिक डाउनस्विंग रदर देन अ डीप स्ट्रक्चरल स्लो डाउन। तो अभी करेंटली जो डी एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है उसका कारण यहाँ पर डीप स्ट्रक्चरल स्लो डाउन नहीं है, ये एक साइक्लिक डाउन स्विंग हो रही है, क्योंकि ये इट इज़ अ नॉर्मल साइकिल कि एक स्लम्प आता है, बूम आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर यहाँ पर रिकवरी हमें होती हुई नज़र आती है। RBI ने इस चीज़ को स्ट्रेस्ड आउट किया कि यहाँ पर जो पॉलिसी फोकस है वो यही है कि हम लोग रिफॉर्म कर सके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, फास्टर इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटीज करती हैं। वेल, द सेंट्रल बैंक्स एनालिसिस कंफर्म्स दैट द ब्रॉड बेस्ड साइक्लिक डाउन टर्न इज अंडर वे इन सेवरल सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और बहुत सारे अन्य सेक्टर। इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर कहा है, रिवाइविंग द कंजम्पशन डिमांड एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज रिज्यूम द हाईएस्ट प्रायोरिटी। कंजम्पशन डिमांड को बढ़ाना और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नज़र में एक हाईएस्ट प्रायोरिटी लेवल पे है, जिसके अंदर यहाँ पर हमारा फोकस बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर्स पर भी है। ओके, बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके से अभी निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि 70,000 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा इन्फ्यूज किए जाएंगे, और नॉन बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो हमारे शेडो बैंक्स हैं, NBFCs हैं, उनको भी हम लोग रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्पेंडिंग बढ़ रही है, नई नई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की भारत सरकार बात कर रही है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ रहे हैं देश में, चाहे वो लेबर लॉज हो, टैक्सेशन हो, या बाकी सारे लीगल रिफॉर्म्स हो, जितने भी मेजर लिए जा रहे हैं इनकी मदद से हम लोग हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए बाय 2024-2025।
ऑन द फिनेंशियल सेक्टर जो आरबीआई है उसका ये कहना है कि सेवरल मेजर्स हैड रिजल्टेड इन डिक्लाइनिंग इन द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है वो में घटता हुआ नजर आया है। मार्च 2019 के अंदर 9.1% रहा, जो कि कम है इन कंपैरिजन टू मार्च 2018 जब था 11.2%। पेज नंबर 15 इकोनॉमी वाले सेक्शन, एक और हमें खबर देखने को मिली कि 2000 नोट्स इन सर्कुलेशन फॉल। यहाँ पर बात हो रही है कि जो 2000 रुपए के जो नोट्स इन सर्कुलेशन है वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम लोगों को घटते हुए नजर आए हैं। राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर है वहाँ पे आप लोग फोकस करो कि मार्च 2018 में जो वॉल्यूम था यहाँ पर 2000 रुपए के नोट का, इट वॉज 3,363 मिलियन, जो कि मार्च 2019 में कम हो गया, 3,291 मिलियन हो गया। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ टोटल की बात करें तो 3.3% थे 2000 रुपये के नोट, अब 3% रह गए। मार्च 2018 के अंदर उनकी वैल्यूएशन 37.3% ऑफ द टोटल वैल्यूएशन थी और मार्च 2019 के अंदर वो सिर्फ 31.2% रह गए। ओके, 2000 रुपये के नोट जो कि डीमोनेटाइजेशन एक्सरसाइज के बाद लॉन्च किए गए थे 2016 में, उनकी यहाँ पर करेंसी सर्कुलेशन हमें सडनली ड्रॉप होती हुई नजर आई है। इसी कंपैरिजन में 500 रुपये के नोट को अगर आप देखते हो तो उनकी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बढ़ गए हैं, इन परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट वो हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं और इन वैल्यूएशन वो 51% ऑफ द टोटल वैल्यूएशन हो चुके हैं। तो ये एक और इम्पोर्टेंट अपडेट हमें एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिली। एज वेल एज पेज नंबर 15 पे एक और खबर, बैंक फ्रॉड राइज 74% सेज आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहना है कि जो बैंकिंग फ्रॉड है वो हम लोगों को 73.8% का जंप लेते हुए नजर आई है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन इन 2018-19 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस 15% जो यहाँ पर फ्रॉड के केसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आई है, हमें बताया आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट ने। बैंक्स को 55 मंथ्स लगते हैं ऑन एन एवरेज टू रिपोर्ट अ लार्ज फ्रॉड। जो ओवरऑल एवरेज लैग बिटवीन है यहाँ पर डेट ऑफ अकरेंस और जो डिटेक्शन जब यहाँ पर बैंक करता है वो 22 महीने का होता है। जो एवरेज लैग फॉर लार्ज फ्रॉड्स, दैट इज वो वाले फ्रॉड जिनकी यहाँ पर कीमत 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, जिनका अमाउंट अराउंड 52,200 करोड़ रुपीस का रहा इन 2018-19, वो 55 मंथ्स का रहा। लैग का मतलब वो जब यहाँ पर फ्रॉड हुआ है और बैंक ने डिटेक्ट किया है उसका बीच का समय। अमंग द बैंक ग्रुप पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्रॉड होते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक और फिर यहाँ पर फॉरन बैंक्स में हमें फ्रॉड होते हुए नजर आते हैं। वेल द टोटल नंबर ऑफ काउंटरफीट नोट मतलब नकली नोटों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जिनको डिटेक्ट किया गया, दे हैव फॉलन इन 2018-19 टू 317,384 पीसेस फ्रॉम 522,783 पीसेस इन द प्रीवियस ईयर। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर 717 सच नोट्स ऑफ 1000 डोमिनेशन हैड ऑल्सो बीन आइडेंटिफाइड। 1000 नोट्स जिनको यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन के समय पर विड्रॉ कर लिया गया था, जो काउंटरफीट नोट 2000 रुपए वाले हैं उनकी जो संख्या है वो हमें बढ़ती हुई नजर आई है। पेज नंबर 15 हम लोग को एक बड़ा चार्ट नजर आता है, हाउ दी आरबीआई एंडेड 2018-19 विद एन ओवरऑल 1.23 लाख करोड़ सरप्लस। यहाँ पर आरबीआई ने इस वरी सरप्लस में अपना साल खत्म किया, 1.23 लाख करोड़ का सरप्लस रहा। अब बहुत बड़े बड़े सवाल यही उठ गए कि इतना बड़ा सरप्लस आरबीआई के पास आया कैसे, उन सब चीज़ों को डिटेक्ट किया जाएगा, पर कैसे हम लोग देखेंगे आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट का ये चार्ट देखकर। लेफ्ट हैंड साइड में आपके लिए लिखा हुआ है द ईयर ऑफ रिकॉर्ड इनकम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अर्निंग है वो हम लोगों को बढ़ती हुई नजर आई, खासकर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन और इंटरेस्ट के वजह से जो अर्निंग होती है। आप इंटरेस्ट की बात करो, इंटरेस्ट मतलब आरबीआई को कैसे मिलता है, जो डोमेस्टिक बॉन्ड यहाँ पर आरबीआई होल्ड करता है, जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे मान लो रिवर्स रेपो पे जो यहाँ पे पैसे कमते हैं, फॉरेन बॉन्ड्स जो होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं जो फॉरेन अमाउंट में, ठीक है, उनमें हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट कमाते हैं। 2017-18 में उससे जो यहाँ पर जो टोटल जो बेनिफिट था दैट वाज 73,871 करोड़ रुपीज़, क्योंकि 2018-19 में 32,966 करोड़ रुपीज़ से बढ़कर हमें नज़र आया 1,06,837 करोड़ रुपीज़, मतलब 44.62% का हम लोगों को इंक्रीज देखने को मिला। अदर इनकम भी हमें बढ़ती हुई नज़र आई, जिसके अंदर यहाँ पर जो फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन के अंदर गेन लॉस होता है उसको इंक्लूड करते हैं और कुछ यहाँ पर प्रोविजन्स राइट ऑफ भी कर दिए जाते हैं। राइट हैंड साइड पे यहाँ पर बैलेंस शीट में आप देख सकते हो आरबीआई की नज़र में जो लायबिलिटीज़ होती हैं, जो डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के पास, जो कंटिजेंसी फंड आरबीआई रखता है या जो सीजीआरए होते हैं,
CRA मतलब जो करेंसी एंड गोल्ड रिवेल्यूएशन अकाउंट के अंदर पैसे हो, जो नोट्स इन सर्कुलेशन होते हैं, जो आपकी जेबों में पैसा है वो भी यहाँ पर लायबिलिटी है एक तरीके की आरबीआई के ऊपर। उनका डिफरेंसेस भी आप देख सकते हो किस तरीके से बढ़ और घट रहा है। इनकम और एक्सपेंडिचर को अगर आप लोग यहाँ पर एनालाइज करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो आपको सरप्लस नज़र आएगा, और सरप्लस वो है जो ट्रांसफ़र किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। 17-18 में सिर्फ 50,004 करोड़ रुपीज़ ट्रांसफ़र किया गया, 2018-19 में जो ट्रांसफ़र है वो 1.76 करोड़ रुपीज़ के आसपास हमें पहुँचता हुआ नज़र आया। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जॉ ड्रॉपिंग सरप्लस यहाँ पे 1,23,414 करोड़ रुपीज़ का अनाउंस किया। सवाल ये है कि यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो इतना बड़ा मैसिव सरप्लस लेकर कैसे आया। दो इंपॉर्टेंट इसके बेसिक रीज़न बताए गए। पहला बेसिक रीज़न क्या, पहला रीज़न है यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। पहले क्या होता था, आरबीआई जब यहाँ पर डॉलर को सेल करती थी मार्केट के अंदर, जो यहाँ पर जो रेट या गेन या लॉस जो कैलकुलेट होता था वो पिछले फ्राइडे की मार्केट वैल्यू ऑफ डॉलर पे होता था। अब उसको हिस्टोरिकल एक्विजिशन कॉस्ट पे यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि मान लो पहले 53 पे डिसाइन थी तो उस पर किया जाएगा। करेंटली मान लो 72 रुपीज़ है तो सब्सट्रैक्ट करके 19 रुपीज़ का यहाँ पर गेन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट में हमें बेनिफिट देखने को मिला, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा सरप्लस होता हुआ नज़र आया। तो दूसरा रीज़न यही है कि हायर सरप्लस इज़ अ लीप इन इंटरेस्ट इनकम विच वॉज हायर बाई 32,966 करोड़ एज कम्पेयर टू 2017-18, जो मैंने आपको पीछे ग्राफ में बताया। इसके साथ साथ जिस तरीके से इस बार ओपन मार्केट ऑपरेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किए टू इन्फ्यूज द लिक्विडिटी, उसकी वजह से यहाँ पर 75% जंप हम लोगों को होता हुआ नजर आया। कुछ यहाँ पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में भी हम लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा मिल गया। पेज नंबर 16, खबर मिलती है 100% FDI इन कोल विल बूस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी एक नई पॉलिसी अनाउंस करी कि यहाँ पर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा कोल सेक्टर के अंदर। अब इसकी वजह से जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसके लिए कॉम्पिटिटिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर जो गोल्ड ग्लोबल माइनर्स हैं, दे आर हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि वी विल ऑल्सो इंक्रीज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और टाइम बाउंड अप्रूवल भी उन्हें जल्द ही मिल जाएगा जब वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। इन इंडिया इट टेक्स एटलीस्ट 6 months, 6 महीने लग जाते हैं माइन एलोकेशन से लेकर माइनिंग ऑपरेशन चालू करने में। दिस हैज नाउ बीन फिक्स्ड एट 66 months। कोल मिनिस्ट्री टेकिंग स्टेप्स टू डू अवे विद सच ऑफ द थिंग्स, जो प्रायर अप्रूवल है ओके उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है माइनिंग लीजिंग से पहले, विच टिपिकली टेक 6 to 12 months। यहाँ पर एड ऑन किया गया कि इसकी वजह से हमारे देश की जो डिपेंडेंट है कि हम लोग कोल बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं वो भी हम लोगों को ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ थर्मल कोल। गवर्नमेंट अलाइंग 100% FDI कोल माइनिंग विल अट्रैक्ट द ग्लोबल माइनर्स। जब ग्लोबल माइनर्स यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अपडेटेड टेक्नोलॉजी भी आएगी। पर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर मिस कर गए हैं वो ये है कि एनवायरमेंटल कंसर्न, एनवायरमेंट को भूल के हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पेज नंबर 1, खबर मिलती है दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनल NRC विल गेट द विंडो ऑफ 10 मंथ। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की जो फाइनल लिस्ट है वो हमारे सामने कल 31st of August 2019 को सामने आती हुई नजर आएगी। भारत सरकार ने पहले भी एक अश्योरिटी देने की कोशिश करी है कि NRC की जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी ऐसा नहीं होगा कि एकदम बाकी सब लोगों को डिटेन कर दिया जाएगा। यहाँ पर 10 महीने का विंडो दी गई है, 10 महीने का समय दिया गया है कि जो लोग जिनका नाम NRC की लिस्ट के अंदर नहीं होगा वो अपनी सिटीजनशिप को प्रूफ कर सकेंगे, और उसके बाद ही जो डिटेंशन सेंटर में भेजने का जो कार्यक्रम है वो चालू किया जाएगा। एप्रीहेंडिंग दिस पर्टिकुलर क्रिटिकल सिचुएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले भी बोला था कि एग्जिस्टिंग जो 100 ट्राइब्यूनल्स हैं फॉरन ट्राइब्यूनल्स, उसको संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी, एंड एटलीस्ट 200 एडिशनल फॉरन ट्राइब्यूनल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटअप बाई सेप्टेम्बर। और सरकार ने इसके लिए 221 न्यू मेम्बर्स भी यहाँ पर चुन लिए हैं। ईच पर्सन एक्सक्लूडेड विल हैव अ मैक्सिमम ऑफ 120 डेज ओके 120 डेज और 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल NRC टू चैलेंज हिज और हर केस एट फॉरनर्स ट्राइब्यूनल विच हैज टू डिस्पोज ऑफ विद इन 6 मंथ्स। पेज नंबर 1 पे हमें एक और खबर मिलती है, रशिया सेट टू ऑफर सबमरीन ड्यूरिंग द मोदी पुतिन समिट। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं व्लादिवोस्टोक के अंदर, और वहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रूट के बारे में बात हो रही है अंडर द इंडियन नेवीज प्रोजेक्ट 75Y। प्रोजेक्ट 75Y वही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को यहाँ पर बनाया है। तो जो रशियन सबमरीन्स हैं वो भी हम लोग लेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट की मदद से।
यहाँ पर जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको रिव्यू करना एक टॉप प्रायोरिटी रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रशिया विजिट के अंदर। जो डील है टू मैन्युफैक्चर एटलीस्ट 200 के A2260 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स फॉर द इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स इज लाइकली टू गेट अ बूस्ट। इसके साथ साथ जो दोनों लीडर्स हैं वो रिव्यू करेंगे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में खुलना चाहिए AK-203 असॉल्ट राइफल से रिलेट करते हुए। रशिया हमें कन्वेंशनल सबमरीन ऑफर कर सकती है प्रोजेक्ट 75Y के टेंडर के अंदर एंड रशिया माइट कंसीडर एन ऑफर ऑफ Su-57 रशियन फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टू इंडिया। यहाँ पर जो इंडियन नेवी है इट इज़ टू बाय 6 एडवांस्ड कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन अंडर प्रोजेक्ट 75I। जो प्रोक्योरमेंट है इट इज़ अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल और ये दूसरा प्रोजेक्ट होगा जिसको सिमिलर रूट से हम लोग यहाँ पर करेंगे। ओके आफ्टर नेवी स्टैंडर्ड फॉर यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। जो कंटेंडर्स यहाँ पर प्रोजेक्ट 75I के हैं वो फ्रांस भी है, ओके रशिया है, एज स्वीडन है और जर्मनी भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंटेंडर है। जून के अंदर नेवी ने इशू किया था अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, शॉर्टलिस्ट करा था यहाँ पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पुट एट 45,000 करोड़ रुपीज़। अब जो पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनको बोला गया है कि 2 महीने के अंदर आप लोग रिस्पॉन्ड करो। इंडियन पार्टनर्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट एंड एब्जॉर्ब दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन मिलेंगे और हमें क्या क्या अपडेट होते हुए नजर आते हैं। पेज नंबर 8 खबर मिलती है एज लूजेस टच 41 करोड़ गोल्डन चैरियट सेक्स टू अ हॉल्ट। यहाँ पर बात हुई इंडिया की, साउथ इंडिया की इकलौती लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट के बारे में जिसकी यात्रा अब रोक दी गई है क्योंकि जो ट्रेन है वो 41 करोड़ रुपीस के लॉस में चल रही थी। तो कर्नाटक सरकार ने यहाँ पर जो ट्रेन थी उसके ऑपरेशन को टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया है। एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है कर्नाटका के अंदर इन्फोसिस फाउंडेशन चेयरपर्सन सुधा मूर्ति के अंडर कि वो टूरिस्ट स्पॉट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, उनको डेवलप करने के लिए प्लान यहाँ पर बनाएंगे। स्टेट ने आइडेंटिफाई किए हैं 319 टूरिस्ट स्पॉट एंड 40 मेजर टूरिस्ट सर्किट्स इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। पेज नंबर 9 खबर मिलती है 47,436 करोड़ रिलीज्ड फॉर ए फॉरेस्टेशन। यहाँ पर यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ट्रांसफ़र किए हैं 47,436 करोड़ रुपीज़ 27 स्टेट्स को ए फॉरेस्टेशन पर्पस के लिए। फॉरेस्टेशन मतलब वहाँ पर पेड़ ग्रो करने के लिए। ओके ये जो पर्टिकुलर जो पैसे दिए गए हैं ये कंपेंसेटरी ए फॉरेस्टेशन फंड के अंदर से दिए गए हैं। जो यहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेसेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होते हैं वो जो नुकसान पहुँचाते हैं यहाँ पर हमारी ज़मीन को, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उसके ल्यू में उन्हें यहाँ पर उसके इकोनॉमिक वैल्यू के अनुसार यहाँ पर पैसा कैंपा फंड के अंदर डालना पड़ता है। उस पैसे को इकट्ठे करके जो सरकार है वो स्टेट्स को देती है जिससे स्टेट्स यहाँ पर एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी को यहाँ पर करें। इसी के अंदर यहाँ पर 54,000 करोड़ का ट्रेंच कलेक्ट किया गया नियरली 10 इयर्स के अंदर एज एनवायरमेंटल कंपनसेशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और अब उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अमाउंट टू बी पेड बाय द इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट प्रोवाइड करता अगर वो होता, जिसके अंदर टिम्बर, बैम्बू, फायरवुड्स, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर रिचार्ज, सीड डिस्पोजल, इंडस्ट्रियलिस्ट इस पर्टिकुलर अमाउंट को पे करते हैं और फिर उन्हें स्टेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कंपेंसेटरी एट ऑफ डिफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 विच केम इन टू बींग मोर देन अ डिकेड सिंस इट वॉज डिवाइस। इसलिए अंदर हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को सेटअप किया गया था दैट इज कैंपा, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ओडिशा को सबसे ज़्यादा पैसे मिले हैं नियरली 6,000 करोड़ रुपीज़ फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। सबसे कम पैसे यहाँ पर केरला को मिले हैं। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पैसे तो एफॉरेस्टेशन के लिए मिले हैं पर इनका इस्तेमाल भी एफॉरेस्टेशन पर्पज़ के लिए ही हो। पेज नंबर 9 पे खबर मिलती है GI टैग फॉर तमिलनाडु से डिंडीगुल लॉक कंडगी सारी। तो तमिलनाडु के दो इंपॉर्टेंट आइकॉनिक चीज़ों को मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सबसे पहले है डिंडीगुल लॉक और दूसरी है यहाँ पे कंडगी साड़ी। इन दोनों को मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जो डिंडीगुल लॉक है वो एक फेमस लॉक है बट यहाँ पर आज की डेट में उसको कंपटीशन मिल रहा है अलीगढ़ के तालों से और राजपलायम के तालों से। यहाँ पे कन्नगड़ी की साड़ी के बारे में बात करें तो ओरिजिनल साड़ी होती है जिसको यहाँ पर मैनुअली बनाया जाता है वाइंडिंग मशीन, लूम, शटल और बॉबिन की मदद से। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 10 पेज नंबर 10 यहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन खबर मिलती है टिंकरिंग फॉर द ऑप्टिक्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स के बारे में यहाँ पर बात हुई।
कि हमारे देश में FDI के नॉर्म्स को थोड़ा सा रिलैक्स किया गया। मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यही है कि जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करें। जब हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता है, FDI आता है, इसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन भी बढ़ता है। फ्रॉम एक्सटेंडिंग दी अवेलेबिलिटी ऑफ 100% FDI अंडर दी ऑटोमेटिक रूट इन दी कोल माइनिंग सेक्टर, जो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कशन में लिया, टू इंक्लूड दोज कंपनीज सीकिंग टू कमर्शियली सेल दी कमोडिटीज, और यहाँ पर डिस्टिंक्टली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 100% ऑटोमेटिक रूट लेकर आने की बात हुई। ईजिंग लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स फॉर ओवरसीज इन्वेस्टर फॉर दी सिंगल ब्रांड रिटेलिंग ट्रेडिंग, जो सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग होता है उसमें भी 100% की यहाँ पर बात हुई। और कैबिनेट ने यहाँ पर जो बड़े डिसीजन लिए उनको बोला जा रहा है कि ये FDI पॉलिसी के नए रिफॉर्म्स हैं। गवर्नमेंट क्लियरली कंसर्न विद द इकोनॉमिक स्लोडाउन, सरकार भी यहाँ पर इकोनॉमिक स्लोडाउन से परेशान है और वीक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से परेशान है। हमारे देश से कुछ यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा खींच भी रहे हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया कि वह FDI के नॉर्म्स अगर रिलैक्स करते हैं तो लॉन्ग टर्म पे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आती हुई नज़र आएगी। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से उसका इम्पैक्ट हमारे GDP पे भी होगा और जॉब्स क्रिएट होती हुई मिलेंगी। वन मस्ट ऑल्सो कंसिडर दी प्रेसिंग कंटेक्स्ट, क्योंकि इस महीने में पहले RBI ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया था कि नेट जो FDI फ्लो है इट हैड मॉडरेटेड और वो थोड़ा कम हुआ है। अगर हम लोगों को $5 trillion इकोनॉमी बनना है अगले आने वाले 5 सालों में, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम लोग देखें जैसे कोल सेक्टर में किया, वो विन विन सिचुएशन है यहाँ पर कोल इंडस्ट्री के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी। बट हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सब चीज़ें आएंगी कैसे, फॉसिल फ्यूल्स को जला के, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम लोगों को यहाँ पर वो बर्डन झेलना पड़ेगा। पेज नंबर 10, एक और एडिटोरियल सेक्शन, गवर्नमेंट नीड्स टू बी प्रूडेंट इन यूजिंग द RBI ट्रांसफर। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विमल जलान कमेटी के रिपोर्ट पे यहाँ पर फैसला लिया कि RBI का जो सरप्लस है उसको भारत सरकार को ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस पूरे आर्टिकल को अगर मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आपको बताऊं कि RBI बिलोंग्स एंटायरली टू द गवर्नमेंट, पूरी तरीके से भारत सरकार जो है वो ओन करती है यहाँ पर RBI को। बट RBI की बैलेंस शीट की इंटीग्रिटी बनाए रखना भी सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। कमिटी मेड इट्स रिकमेंडेशन आफ्टर टेकिंग इन टू द अकाउंट द रोल ऑफ द RBI's फाइनेंशियल सेलियंस, क्रॉस कंट्री प्रैक्टिस, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स और पब्लिक पॉलिसी पे कितना यहाँ पर इम्पैक्ट होगा। इन पर्टिकुलर फैक्टर के हिसाब से जो वॉल्यूम ऑफ रिजर्व्स है उनको देखते हुए कि कितना वॉल्यूम ऑफ रिजर्व होना चाहिए फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उस समय पर जब एक क्राइसिस वाली कंडीशन आए तो RBI के पास कितना पैसा होना चाहिए और बाकी सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो करती हैं, किस तरीके के नॉर्म्स फॉलो करती हैं, उस हिसाब से यहाँ पर एक डिवीज़न हमारे सामने आया। इसके लिए जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, कमिटी ने RBI के जो यहाँ पर इकोनॉमिक कैपिटल है उसको 2 भागों में डिवाइड किया, रिवैल्यूएशन रिजर्व और रियलाइज्ड इक्विटी। रिवैल्यूएशन रिजर्व्स के अंदर वो वाला पैसा जिसकी जो वैल्यू है वो रिवाइज होती रहती है, जैसे गोल्ड हुए, फॉरेन एसेट्स हुए, और यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, दे आर आ रिस्क बफर अगेंस्ट द मार्केट रिस्क। पर जो रियलाइज्ड इक्विटी होती है वो भी यहाँ पर एक अलग से फंड रखा जाता है, ओके, फॉर द रिस्क, और यहाँ पर उसका ट्रांसफ़र करने की बात हुई। जो रिवाइज फ्रेमवर्क है इट वुड अलाउ द इकोनॉमिक कैपिटल टू बी इन रेंज ऑफ 24.5% टू 20% ऑफ द बैलेंस शीट। एज रिगार्ड रियलाइज्ड इक्विटी जो कमिटी है उसने रिकमेंड किया कि जो रिक्वायर्ड रेंज है वो 6.5 to 5.5% ऑफ द बैलेंस शीट रहनी चाहिए। RBI की बोर्ड मीटिंग के अंदर ये चीज़ डिसाइड हुई कि ट्रांसफ़र होंगे 1.76 lakh crore रुपीज़ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर बड़ा सवाल आता है कि जो एडिशनल फंड ट्रांसफ़र है जो RBI कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हो गया, हम लोगों ने मान लिया, चलो बिल्कुल ठीक है, बट वो हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि जो टैक्स रिवेन्यू प्रोजेक्शन है भारत सरकार का वो अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए पैसे जिससे यहाँ पर हम लोग हमारा डेफिसिट भर सकें। यही एक चीज़ देखने वाली है कि हम लोगों के जो यहाँ पर RBI के पैसे हैं वो सरकार के पास जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल डेफिसिट भरने में ना किया जाए बल्कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में किया जाए। हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, GST ने अच्छी तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहा है, GST स्लो डाउन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल ओवरकम दिस शॉर्टफॉल इन टैक्स कलेक्शन, स्टेट्स को यहाँ पर सफ़र करना पड़ेगा इसके कॉन्सिक्वेंसेस, लोअर देन बजटेड रिवेन्यू रियलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जब रिवेन्यू नहीं आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो वो डिवॉल्व भी कैसे करेंगे।
ऑन दी अदर हैंड जो टैक्स रिवेन्यू है अगर उसकी ग्रोथ बढ़ती है गवर्नमेंट कैन यूज दिस एडिशनल मनी टू क्लियर द ड्यूज ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी या बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म लाने में इन पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पेज नंबर 13 पे खबर मिलती है डिजिटल मीडिया फर्म्स से एफडीआई नॉर्म्स आर रिस्ट्रिक्टिव। जो डिजिटल मीडिया फर्म्स हैं उनके लिए जो एफडीआई है उसे 26% पे कैप आउट किया गया है। तो यहाँ पर जो डिजिटल मीडिया फर्म्स हैं दे आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इस चीज़ को अनाउंस किया था कि कैबिनेट ने क्लियर किया एफडीआई अप टू 26% अंडर द गवर्नमेंट रूट फॉर डिजिटल मीडिया कंपनी। इसका एक बड़ा कारण ये भी है सरकार चाहती है कि जो न्यूज़ और जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो यहाँ पर मीडिया कंपनीज हैं उनके ऊपर भारत से बाहर के जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका असर ना हो। अभी तक 26% और 49% की एफडीआई कैपिंग प्रिंट मीडिया और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन कंपनीज के ऊपर थी रिस्पेक्टिवली। पेज नंबर 14 पे खबर मिलती है यूएन वॉर्न्स ऑफ राइजिंग सीज एंड स्टॉर्म सर्जेस। यूएन की रिपोर्ट हमारे सामने आई है, आईपीसीसी की स्पेशल रिपोर्ट आई है ऑन ओशियन अर्थ्स फ्रोजन जोन्स। अर्थ के जो फ्रोजन जोन होते हैं उनको बोलते हैं क्रायोस्फीयर। उससे रिलेटेड रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट का ये कहना है कि द ह्यूमन इवोल्यूशन आर पॉइस्ड टू अनलीश अ माइजरी ऑन द ग्लोबल स्केल अनलेस द कार्बन पॉल्यूशन डीस्टेबलाइजेज। अगर कार्बन पॉल्यूशन को हम लोग डीस्टेबलाइज नहीं करते अगर उसको ख़त्म नहीं करते तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा? अर्थ के मैरीन एनवायरनमेंट के ऊपर। तो जो फिश स्टॉक है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में डिक्लाइन होता हुआ हम लोगों को नजर आएगा। एज द 21st सेंचुरी अनफोल्ड मेल्टिंग ग्लेशियर्स विल फर्स्ट गिव टू मच एंड देन टू लिटिल टू बिलियंस हु डिपेंड ऑन देम फॉर फ्रेश वाटर। तो उसके बारे में यहाँ पर 900 पन्नों की जो साइंटिफिक असेसमेंट रिपोर्ट है उसके अंदर बात की गई। पेज नंबर 22 पे हमें एक स्कल की खोज देखने को मिली जो कि इथियोपिया में मिली है। इसका नाम दिया गया MID। एक और स्कल मिला जिसका नाम दिया गया लूसी और ये 3.2 टू 3.8 मिलियन साल पुराने स्कल्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग हमारे एंसेस्टर लीनिएज खोजने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ पेज नंबर 22 दो यहाँ पर जो ईल की स्पीसीज हैं उनको भी डिस्कवर किया गया है उड़ीसा के गोपालपुर से। आज के न्यूज़पेपर में आपके लिए इतनी खबरें थी। कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर।